ये आप सबों के बीच देवरिया भी और हसोद की टीम मैदान में प्रवेश कर गई है और अब देवरिया के पास बॉल और लीजिए शुरुआती ही क्षणों में लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी भी बॉल लगातार देवरिया के खेमे की ओर जा रही है लेकिन फिर से देवरिया के प्लेयर ने उसे आगे बढ़ाया है। खतरा बन सकता था लेकिन उसे खतरे को टाल देवरिया बी के बीच यह मुकाबला खेला जा रहा है। फर्स्ट राउंड का यह मुकाबला आप सभी 9 नंबर के जर्सी पहने हुए खिलाड़ी के पास बॉल, यह खतरा हो सकता है लेकिन जब बॉल को आगे बढ़ाया है यहाँ पर, लेकिन जब तक संभाल पाते सकता है। अच्छा किक भी है लेकिन लगातार देवरिया का प्लेयर वहीं पर बॉल अपने सामने रख रहे हैं, यहाँ पर खतरा हो सकता है। और लीजिए अच्छा बचाव किया गया हसोद के, लेकिन जबरदस्त प्रहार किए हैं किक, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हसोद के ऊपर। हसोद और देवरिया बी के बीच यह संघर्ष मुकाबला चल रहा है, दोनों टीम जद्दोजहद। जबरदस्त प्रहार देवरिया की ओर से, बॉल को आगे बढ़ा दिया है लेकिन बॉल ज्यादा तेजी से निकल गया दिखाया है अभी तक। और लीजिए यहां पर खतरा हो सकता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देवरिया की ओर से किया जा रहा है लेकिन दोनों टीम अभी तक असफलता हाथ लगी है। जबरदस्त टकराव दोनों खिलाड़ियों के बीच में और यहां पर खतरा हो सकता है लेकिन बॉल साथी को दिया है बॉल, लेकिन वहां पर संभाल नहीं पाए और बॉल गवा बैठे। यानी हाफ टाइम के बाद का यह मुकाबला खेला जा रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे खिलाड़ी और अपना तेजी से गेम खेल रहे हैं। इंडिया के प्लेयर ने उस खतरे को टाला और फिर से छकाकर बॉल को आगे दिया है। यहाँ खतरा हो सकता था अगर बॉल को औपचारिकता ही लग रहा है बच रहा है इस मुकाबले में, लेकिन फिर से आखिरी वक्त में यह जबरदस्त प्रयास किया जा रहा है देवरिया बी की ओर से, लेकिन वहां पर हसोद के प्लेयर बॉल लेकर निकल गए हैं। एक अकेला प्लेयर सारे मैदान को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है और लेकिन उतना ही